लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ऋषि नारद, आप प्रणाम स्वीकार कीजिए, पधारिए, आइए आइए। देव ऋषि, आपके दर्शन बड़े भाग्यवानों को होते हैं। अहो भाग्य हमारे। नारायण नारायण, आप सत्य कह रहे हैं, आप सचमुच भाग्यवान हैं। आपके भाग्य में कुशलता ही कुशलता है महाराज भूरी कीर्ति। क्या किसी विशेष प्रयोजन से यहाँ आने का कष्ट किया देव ऋषि? कष्ट महाराज, मैं आपको एक समाचार देने आया हूँ। समाचार? कैसा समाचार? चिंतित ना होइए महाराज, समाचार शुभ है। शुभ है? हाँ शुभ है, शुभ ही शुभ है। नारायण नारायण। अब ये बताइए कि किसी भी पिता के लिए अपने संतान के भविष्य की चिंता सर्वोपरि होती है या नहीं? होती है देव ऋषि, होती है। हाँ, अब ये भी बताइए कि किसी भी पुत्री के पिता के लिए पुत्री दान सबसे बड़ा दान होता है या नहीं? सत्य है देव ऋषि। अर्थात आप ये शुभ समाचार हमारी पुत्रियों के विषय में लाए हैं? नारायण नारायण। देव ऋषि, हमने अपनी ज्येष्ठ पुत्री चंपिका के स्वयंवर की घोषणा की है और हमें पूर्ण विश्वास है कि उसका मन चाहा वर उसे अवश्य मिलेगा। राजन, आप सचमुच भाग्यवान हैं। आपकी कामना अवश्य सफल होगी। हाँ, आपकी दोनों पुत्रियों का विवाह सूर्यवंशी महाराज श्री रामचंद्र के पुत्र लव और कुश के साथ संपन्न होगा। ये भविष्यवाणी स्वयं भगवान शिव ने की है। धन्य है महादेव, धन्य है आप। कितनी सौभाग्यशालिनी है हमारी पुत्रियां कि उन्हें सूर्य वंश के गौरव महाराज रामचंद्र के वंश में गौरवशाली वधुओं का पद मिलने वाला है। जय हो जय हो। आप जैसा सुख और सौभाग्य सबको प्राप्त हो। परंतु आपकी पुत्री चंपिका के विवाह में श्री राम और हनुमान के शत्रु दैत्य उत्पात मचा सकते हैं, इसलिए सावधान रहिएगा राजन, आपका कल्याण हो। यही मुझे पटक पटक के मारा और ऐसा उछाला कि ठीक है परंतु वो कदा कहा है? उसे पता चल गया होगा कि हम लोग आ गए, वो डर के मारे भाग गई होगी। इस फेरे में मत रहना, हनुमान की वो गदा डरने वाली नहीं है। और भूल गए कि गुफा में उस गदा ने हम लोगों की क्या दुर्दशा की थी। परंतु वहाँ की बात कुछ और थी, वहाँ हम पत्थरों से घिरे हुए थे। परंतु वास्तविक खेल तो अब प्रारंभ होगा जब हम सब मिलकर उस गदा को चूर चूर कर देंगे। चूर चूर कर देंगे? गुफा की बात भूल गए? कैसे पटक पटक के मारा था, चूर चूर कर। परंतु क्या मात्र मुझे मारा था? वहाँ हम सब की पिटाई हुई थी और तुम कैसे फुदक फुदक के भाग रहे थे। तुमसे तो कम पिटाई हुई थी। जिस कार्य के लिए आए हो उसे पूरा करो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो
ने तो हम पांचों को सका डाला, हम में से कोई भी इसे आहत नहीं कर पाया। जय श्री राम। पोंडरक, चोंडरक, कंटिकासुर, विनाशासुर, विदंगासुर, तुम पांच तो क्या, पांच शास्त्र भी आ जाएं, तो भी मेरा कुछ भी आहत नहीं कर सकते। तुम लोग और मार खाना चाहते हो? और मार खाना चाहते हो? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी गदा, मेरी प्रिय गदा, मेरी प्रिय गदा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, तुम्हारी गदा ने जो मेरी दूरदर्शा की, उसका प्रतिशोध तो मैं अवश्य लूंगी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरा नाम विरूपा राक्षसी है, विरूपा राक्षसी। तुम जहां भी जाओगे हनुमान, तुम्हारा पीछा मैं नहीं छोड़ूंगी। जानती हो, महाराज कुश ने आज भी भोजन नहीं किया। महाराज कुश ने दो दिनों से कुछ भी ग्रहण नहीं किया। क्या हुआ, क्या बात है? प्रणाम हनुमान जी, महाराज कुश ने दो दिनों से कुछ भी ग्रहण नहीं किया। Oh.
महाराज कुश, असमय हमने यहाँ आकर आपका ध्यान भंग तो नहीं किया ना? प्रणाम हनुमान जी। जय श्री राम। क्या बात है महाराज कुश, हमने सुना है कि 2 दिनों से आपने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। ऐसी कोई बात नहीं है हनुमान जी, बस भोजन की इच्छा ही नहीं हुई। इच्छा नहीं हुई? परंतु तुम्हारा मुखमंडल तो ये व्यक्त कर रहा है कि तुम किसी विशेष चिंता में ग्रस्त हो। क्या बात है कुश, किस चिंता में खोए हुए हो? चिंता की कोई बात नहीं है हनुमान जी। अच्छा, अब आप हनुमान जी से भी बात छिपाने लग गए हैं। देखो, मुझसे छिपाने की चेष्टा ना करो, असफल रहोगे। अब शीघ्र से शीघ्र बताओ क्या बात है। हा? बताने जैसी कोई बात ही नहीं है हनुमान जी। देखो कुश, तुम मेरे लिए अब भी वही बालक हो जिसे मैंने माता सीता की गोद में देखा था, स्वयं अपनी गोद में खिलाया था। कहां गया बाल अवस्था का वो पराक्रम जो तुमने लव के साथ मिलकर दिखाया था? क्या युवा होते ही वो सारे क्रम अदृश्य हो गए? हनुमान जी, बालपन की बात बालपन के साथ ही चली गई। बालपन में न तो राजकाज की चिंता होती है और न ही जीवन में पाने की कुछ अभिलाषा। अर्थात कुछ पाने की अभिलाषा में तुम भोजन की अभिलाषा को भूल बैठे हो। कुश, राम भक्त हनुमान के होते हुए ऐसी कौन सी अभिलाषा है तुम्हारी जो अधूरी है, मुझे बताओ। कुश, तुम्हें किस वस्तु की अभिलाषा है? कुश, ये मौन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तुम मुझे बताओ, ऐसी कौन सी अमूल्य वस्तु है जिसके कारण तुमने अन्न जल ग्रहण करना छोड़ दिया? मुझे संकोच हो रहा है बजरंगबली, मुझे आपसे कहने का साहस ही नहीं हो रहा है। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। पराक्रमी कुश का साथ साहस में छोड़ दिया क्या? नहीं, आप कहें तो बड़े से बड़े शत्रु से टकरा सकता हूं, उसे पराजित कर सकता हूं, परंतु ये परंतु क्या है कुश, यही तो मैं जानना चाहता हूं। कौन है वो जिसने तुम्हारे मन को व्यथित किया है, मुझे बताओ। चंपिका ने। चंपिका? चंपिका, ये वही चंपिका है ना जो हमें वन प्रदेश में मिली थी? हाँ वही। समझ में नहीं आ रहा, उससे मिलने के पश्चात मेरा मन मेरे वश में क्यों नहीं है। सच कह रहा हूँ हनुमान जी, इस विवशता पर मैं स्वयं लज्जित हूँ। अब तुम्हारे लज्जित होने से तुम्हारा दुख तो दूर नहीं हो सकता ना, जो तुम्हें चंपिका ने दिया है। मेरे विचार से चंपिका को इसका दंड अवश्य मिलना चाहिए। दंड? हाँ दंड। अब तुम ही बताओ चंपिका को किस रूप में दंडित किया जाए। नहीं नहीं हनुमान जी, उसे दंडित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सच पूछिए तो इसमें चंपिका का कोई दोष नहीं है। ओहो, चंपिका का कोई दोष नहीं है, ठीक है। फिर यदि तुम अन्न जल और उदास होने का दुख झेल रहे हो तो इसमें किसका दोष है, तुम्हारा या मेरा? हाँ, दोष तो मेरे भाग्य का है हनुमान जी। मुझे ऐसे व्यक्ति की अभिलाषा ही नहीं करनी चाहिए जो मुझे प्राप्त न हो सके। कुश, तुम सुध में तो हो ना? राम भक्त हनुमान के होते हुए ऐसी कौन सी वस्तु है जो तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकती? हाँ? Hmm,
यदि तुम कहो तो मैं चंपिका को उठाकर यहाँ ले आता हूँ। नहीं नहीं, मैं किसी को विवश करना नहीं चाहता। ओहो, ठीक है, तो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें चंपिका के पास ले चलता हूँ। भला मैं वहां कैसे जा सकता हूँ? ओहो, मैं चंपिका को उठाकर यहां नहीं ला सकता, तुम वहां कैसे जा सकते हो? कुश, क्या तुम चंपिका से प्रेम करते हो? विवाह करना चाहते हो? देखो कुश, सर्वप्रथम तो तुम ये निश्चित करो कि तुम्हें करना क्या है। यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो प्रेम में केंद्रित होने की आवश्यकता है। पहले शून्य बन जाओ, फिर बिंदु और फिर विलीन हो जाओ। फिर देखो, तुम्हें प्रेम प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, प्रेम अपने आप तुम्हें प्राप्त कर लेगा। नारायण 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 नारायण। प्रणाम। जय हो जय हो। वो प्रेम की परिभाषा समझा रहा है वो, जो स्वयं बाल ब्रह्मचारी है। क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, अभिमान से तो नहीं परंतु पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूं, मुझे लगता है कि संसार में ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा प्रेमी कोई नहीं। मैंने प्रेम किया है। हाँ गुरुदेव, मैंने प्रेम किया है। हनुमान जी, आपने प्रेम किया है? मैंने प्रेम किया है अपने स्वामी से। मैंने प्रेम किया है अपने प्रभु से। मैंने प्रेम किया है अपने आराध्य से। मैंने प्रेम किया है श्री राम से। श्री राम,